अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ, विवादित जमीन पर रामलला का हक, मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में 5 एकड़ जमीन का आदेश। सबसे पुराने और सबसे बड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाते हुए रामलला विराजमान को न्यायिक पक्षकार मानकर विवादित जमीन राम जन्मभूमि न्यास को देने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए अलग जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया है। मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार से 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भगवान श्री रामलला विराजमान का सूट नंबर 5 डिक्री किया है और जो डिस्प्यूटेड एरिया था वो हिंदू पक्षकारों को दिया गया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि वो वहाँ पे एक ट्रस्ट बनाएगा अंडर सेक्शन 6 और 7 ऑफ अयोध्या एक्विजिशन एक्ट और वहाँ मैनेजमेंट का सारा व्यवस्था करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को सूट नंबर 4 को पार्टली डिक्री किया है और उनको एक ऑल्टरनेटेड लैंड देने की आदेश पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्षकारों को एक ऑल्टरनेट लैंड दी जाए जो 5 एकड़ की होगी। वहीं हिंदू पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। तो समय आ गया है, न्याय कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है और सारी परिस्थितियां अनुकूल है, अब मंदिर का निर्माण होगा। हम इससे पहले भी कहते हैं कोर्ट ने जो भी कहा है वो ठीक कहा है, हम उसका सम्मान करते हैं। ये जिम्मेदारी सरकार की है, वो कहा देती है कहा नहीं देती है, क्योंकि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, पहले भी करते थे आज भी करते हैं। हमें चाहते हैं ये मसला हिंदुस्तान का बहुत अहम था वो आज खत्म हो गया। राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी फैसले का स्वागत किया है और लोगों से शांति रखने की अपील की है। इस फैसले के संबंध में मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये इतिहास का एक लैंडमार्क जजमेंट है। सहज रूप से सभी को इसे स्वीकार करना चाहिए, पर मैं ये भी मानता हूँ कि इससे सर्वधर्म संभाव की भावना भी और अधिक मजबूत होगी और साथ ही साथ सामाजिक ताना बाना भी इसके परिणाम स्वरूप मजबूत होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कोर्ट के फैसले को विरोधाभासी करार दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी ने कहा कि हम फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका लगाएंगे। ये हिस्से हम बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड है क्योंकि आर्टिकल 142 के तहत उन्होंने ये इस्तेमाल किया है, लेकिन हम नहीं समझते कि आर्टिकल 142 का स्कोप यहाँ तक है कि किसी के वेस्टेड राइट को आप ले सकते हैं। फिर भी इस पर अभी हम मशवरा करेंगे। 40 दिन की लगातार सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सैकड़ों सालों से चले आ रहे विवाद पर विराम लगा दिया है। सबसे बड़ी अदालत के फैसले से साफ है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है। टीम न्यूज़ 8।